वेलकम टू गोल्डन आई स्टूडियो। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में, क्योंकि आप हमारे सीनियर हैं। और इंडिया के मशहूर बांसुरी वादक अजय प्रसन्न जी, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप पहले ही दुनिया में इतना नाम कमा चुके हैं और इंडिया की शान है। आज की जिसको भी बांसुरी के लिए पूछो, आपको अपना फ्लूट कराना है, अजय जी को पास जाओ, अजय जी को बुलाओ। अजय दिल्ली में अजय जी ही हैं। तो अजय जी आज हमारे स्टूडियो में पहली बार आए हैं और हमारे जो जिनकी वजह से आए हैं हमारे बंटी भाई उर्फ आकाशदीप शर्मा एंड ब्रजेश भाई, ये इनकी वजह से आज स्टूडियो में आए हैं। मैं तो अभी सोच ही रहा था कि कब बुलाऊं। बहरहाल आप आ गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में और इस्तकबाल है आज आपको स्टूडियो में। मेरा खुश नसीबी है कि मैं आपको रिकॉर्ड कर चुका था या करने वाला था। मैं सोच नहीं रहा था कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इतना मीठा गाना है ब्रजेश जी ने कंपोज किया और गाया है, और आपने इतना पूरा दिन बन गया आज। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको रिकॉर्ड करने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए आपके लिए। आपको अभी ये हमारे साथ, हम बच्चों के साथ काम करने में आपको कितना मजा आया? मजे की बात अगर कहें तो मैं जैसे ही स्टूडियो में एंटर हुआ जी, स्टूडियो में एंटर होते ही मुझे लगा कि यहाँ तो संगीत है जी, क्योंकि बहुत मैं डेली बहुत स्टूडियो में जाता हूँ जी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ संगीत का माहौल मिलता है बिना बजाए, बिना संगीत किए जी, कि एक अंदर घुसते एक लगता है अच्छी वाइब्स आई है, तो वो वाइब्स मिल गई तो मुझे लगा कि यह तो बहुत अच्छा संगीत का ही। तभी मैंने आपसे कहा कि बाहर मैं शूट करूंगा अगली बार आके। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वो आनंद जो मुझे मिला, वैसे ही सुंदर सा घुसते ही बढ़िया सा सुंदर सा गाना मिला ब्रजेश जी की वजह से, और फिर मैंने जैसा भी जैसा वैसा तैसा बजा दिया उसमें। लेकिन सच बताऊं तो ये बहुत आनंद है और मेरा मन करेगा कि मैं बार बार यहाँ पे आऊँ। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम सर, आपका स्टूडियो है, आप जब चाहें आए, आपके लिए हमेशा दरवाजे खुले हुए हैं। आप हमें ऑर्डर करिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे आप ये बना के दीजिए, हमारा ये सौभाग्य होगा कि हम जैसे जूनियर आर्टिस्ट हैं, हम सीख रहे हैं आपसे, हम आपके साथ काम कर सकें। क्यों ब्रजेश भाई? ब्रजेश भाई, आप बताएं, अब आपको कैसा लग रहा है? आप आ तो पहले कई बार आ चुके हैं, पर काम आप भी फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। हाँ। तो अब आपको काम कर यहाँ पर रिकॉर्ड कर कैसा आपको लगा? हमें कुछ आता नहीं वैसे, जितना भी कर सके आप सब जैसों की वजह से है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन जो है वो सच में, जैसा कि आपने बोला कि आज का दिन बन गया जी, बिल्कुल। और ये संगीत का ही जादू है कि जब सच्चा संगीत होता है कहीं, जब सच्चे सुर लगते हैं, तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, बदल जाता है। और आपके यहाँ स्टूडियो में आके ही एक माहौल मिलता है संगीत का, और इसी की वजह से अच्छा संगीत जन्म ले पाता है। अगर माहौल नहीं है, संगीत पूरी तरीके से माहौल पे ही आश्रित होता है। अगर माहौल बढ़िया मिला तो ही संगीत अच्छा हो पाता है, और जहाँ भैया आ जाएँ वहाँ तो चार चांद लग जाते हैं। गीत में अगर चार चांद लगाना है तो भैया हैं उसके लिए। और ख़ास करके ऐसे भजन जिसमें आपको अंदर की तरफ यात्रा करनी हो जीवन की, तो उसके लिए बहुत शांति और बहुत ही सुकून वाली जगह चाहिए, जैसा यहाँ आके महसूस हुआ। और उसके ऊपर भैया का बांसुरी, तो अब ये हम लोग सोचते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि ये गाना हम लोग अच्छे से अब इस गाने को भैया का आशीर्वाद मिल गया है, अच्छा गाना अच्छा हो पाएगा। बट आज अभी आपने जो बांसुरी बजाई, अभी जो फ्लूट जो फील आ रहा है, मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि हम इस दुनिया में नहीं बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि किसी सुकून वाली जगह पर बैठ गए, अंतरात्मा से एकदम ऐसे सुकून। संगीत यही काम करता है। आज थोड़े युवा भटकते जा रहे हैं, संगीत का असर ही यही है, और भैया को बुलाने का मकसद यही था कि आप सुने कि संगीत होता कैसे है, जो आपको इस बाहरी दुनिया से तोड़ के अपने साथ मिलन करने का एक माध्यम बनता है संगीत। ऐसा ही संगीत सीखा गया है, और बनारस के भैया भी हैं, मैं भी बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ संगीत को कभी भी कॉमर्शियल नहीं कहा जाता, पूजा की, वहाँ संगीत एक साधना है और वहाँ पूजा की जाती है काशी में। तो वही संगीत आप जो बात कर रहे हैं, शायद वही संगीत, हाँ वही जी, आवाज़ आपको सुन के ऐसा लगा कि आप यहाँ नहीं हैं, और संगीत का ध्येय भी यही था। लेकिन एक बात कहूँगा जी जी, संगीत तो हमने गाना तो बाद में सुना, अंतरात्मा का गाना था, और मैं ये अंतरात्मा अब ये कहूँगा कि स्टूडियो में घुसते ही पता चल गया कि
कि भैया की अंतरात्मा कितनी अच्छी है, ये सब आपका प्यार है। सच बता रहा हूँ, गाना तो मैंने बाद में सुना कि गाना क्या कह रहा है, ये इस भैया की अंतरात्मा की बात है जो यहाँ की वाइब्स पता चल गई कि इनके अंदर कितनी शांति है, कितना प्रेम है, कितना मतलब कि डिवोशन है हर अपने काम के लिए, तो वो यहाँ पे घुसते पता चला। गाना तो मैंने अंतरात्मा की बात में सुना, जो आनंद हमें जो पहले आ गया वो भैया का अंतरात्मा का। आप पहले आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत। मैं भी यहाँ एक ही बार आया हूँ और ये मेरा दूसरी बार यहाँ आना हो रहा है। तो जब मैं पहली बार आया यहाँ मिला और बात की बैठा, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ इस तरीके के गाने रिकॉर्ड करने चाहिए, क्योंकि यहाँ वैसी शांति महसूस हुई और ये व्यक्ति के द्वारा ही बनाया जाता है। ये सब ये महमूद भाई का ही काम है, ये सब आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है। मैं किसी काबिल नहीं हूँ, हमारे बंटी भाई, ये बंटी भाई हमारे इतने हमारी ये स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बंटी भाई का, जब ऊपर वाले ने कभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, दुआ तो हम हर वक्त करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक हो गया बहुत, और आज जो भी हैं और जितना भी है और आगे ठीक हो रहे हैं, तो ये सब बंटे भाई का दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है। ये मेरे साथ खड़े हुए हैं आज के दिन में, मैं इनका शागिर्द बनकर रहता हूँ। तो बंटी भाई का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बंटी भाई के लिए तो हम यही कहते हैं कि भाई लोग दोनों हाथ से पैड बजाते हैं, इनके लिए पैड बजाना बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल है, वाकई में बाएं हाथ, बाएं हाथ से ही पूरा काम कर जाते हैं। मैं सच्ची बोलूं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे जीजा जी भी हैं और मैं मेरे गुरु हैं मेरे, मैं बहुत प्यार करता हूं, बस मैं दुआ करता हूं। आज टीना जी को जानते होंगे, टीना जी का बेटा कीबोर्ड करता है आजकल सोनू, वो कीबोर्ड करने आया था यहाँ पर, हम पैड कर रहे थे यहाँ पर, तो मामा बोलता है इनको, मामा कहता है, मामा बाकी तो सारे गाने में तो कीबोर्ड तो आप बजा रहे हो, पैड मान लेता हूँ सिंगल ट्रैक बजा रहे हैं, पर ये बताओ ना आप क्रिकेट कैसे बजाते हैं, क्रिकेट कैसे बजा लेते हो आप? तो मैंने कहा बैठ जाओ आप भी सुन लो आज कैसे क्रिकेट बजती है। वाकई में इस आदमी के लिए हौसले के लिए सलाम है, और वाकई में बाएं हाथ का काम है म्यूजिक इनके लिए, तो इनके लिए तो बाएं हाथ का काम है भाई। और संगीत अच्छा जन्म तभी लेता है, बंटी भाई की भी तासीर वही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छा संगीत सुन के भाव विभोर हो जाते हैं, और वो एक अच्छे इंसान होने की और एक अच्छा संगीतकार होने की निशानी है जो इनके अंदर दिखती है। मतलब मैं इतना गुनी आज के दिन में इनको कहूँगा, मैं ध्यान कम दे देता हूँ या मुझे नहीं पता चलता कि मैं म्यूजिक बज रहा है, कौन सी चीज़ मतलब छोटी सी चीज़ भी अगर परकेशन गलत बज गई ना तो वहाँ पर रोक देंगे। मैं इनका कह देता हूँ ठीक तो है, अरे नहीं भैया मुझे पता है ना मुझे पता है क्या काम, सच्ची बोलता हूँ काम के प्रति ईमानदारी, ईमानदारी मेरे गुरुदेव हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग आज आप यहाँ पर बैठे हैं, मोस्टली हम सब हमेशा जल्द से जल्द ऐसे ही बैठे रहा करें और नेक्स्ट काम और अच्छा करें, और आप सबकी दुआएं रही तो हम अच्छे से करते जाएंगे। तकलीफ का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।